हाँ मुझे डर तो बहुत चीज़ों से लगता है, पर आई वॉन्ट से दैट्स कि मुझे फोबिया है, क्योंकि फोबिया इट्स अ प्रॉपर डिसऑर्डर, तो वो मुझे नहीं है. बट आई हैव टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु सफ़र फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर. उसमें एक जो है उसको ट्रैवलिंग का फोबिया है, और आई नो हर फॉर आई थिंक 20 years नाउ. शी वॉज माई टीचर इन स्कूल एंड इट्स सो मच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर, सो मच. एंड अनदर पर्सन आई नो इन लंडन हु हैज़ एग्रोफोबिया. एक्चुअली जिस चीज़ से डर लगता है उसको ओवरकम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पर आई थिंक मुझे जो भी एक्सपीरियंस है बाकी लोगों की कहानियाँ सुन के या जो भी, आई थिंक ये समझना कि मुझे ये फोबिया है, और हम मेरे आजू बाजू को लोगों को भी, दे ऑल्सो शुड नो दैट दिस इज़ अ प्रॉपर डिसऑर्डर. इट्स नॉट जस्ट मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली फोबिया है, ये समझ के उसको डील करने का तरीका सबको पता होना चाहिए. और दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल डोंट आइडेंटिफाई दैट इट्स अ फोबिया, एंड दे थिंक इसको क्या हो गया, ये पागल हो गई है या इसको डिप्रेशन आ गया है, बट इट्स एक्चुअली अ मेडिकल कंडीशन. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द पेशेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, बी अवेयर ऑफ इट, एंड द पीपल अराउंड द पर्सन. आई थिंक बाय फार द बेस्ट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम. एंड सेकंडली द आई वुड थिंक दैट the concept itself has a really unique twist to the genre, and I think we've you know, and also given it enough subtext, and it's not just a pointless thriller movie, you know. We don't have a promotional song plan, because the songs we were trying to do, you know, was taking a lot away from the movie, so we thought let the movie be as it is and hard hit the audience with the campaign, you know, instead of diluting it with the song.